जिथे कि सत्त विधानसभा हल्कियां दियां जिहड़ियां मशीनां ने वह रखी हुई ने बड़ी सख्त सुरक्षा। मैं उन्हें देखना आया सी, चैक करना आया सी। जिले के पुलिस के मुखी SSP साहब उन्होंने सारा अमला और इस तो अलावा जिहड़ी पैरामिलिट्री फोर्सिस ITBP बड़े BSF और जिन्हें भी आए हुए ने ते काउंटिंग सेंटर देखा जिथे मशीन रखी जाएगियाँ एजेंट बैठे होंगे हरेक पार्टी के। तो इत्थे मलेरकोटला धूरी अमरगढ़ संगरूर सनाम दिड़वा ते लहरा ये सत्त जिहड़ियां विधानसभा दी इत्थे अक्सर पहला भी इत्थे लोकसभा की गिणती भी इत्थे होंदी है। लोकसभा वेले तां 9 होंदियां इत्थे भदौड़ ते महल कलां ते बरनाला आ जांदा अमरगढ़ क्योंकि फतेहगढ़ साहब चा उधर चला जांदा। सो मैं काफ़ी सैटिस्फाइड हाँ कि क्योंकि लोगों का फतवा इत्थे अज देखना है। लोगों का फतवा जिहड़ा इन्हां मशीनां दे विच पिया है, लोगों ने अगले 5 साल लई अपनी अपने बच्चों की अपने नौजवानों की बजुर्गों की जिहड़ी किस्मत है वह किहदे बागडोर दे थले चलूगी किहदे हाथ च देणगे। वह फतवा जिहड़ा है वह मशीनां च बंद पिया ते 10 तरीक नूं नतीजे आउणगे। बाकी जो भी जनता का फैसला होगा वह सिर मत्थे होगा। तुसीं पहले महीने दे विच बहुत सारिया लोक पक्षी नीतियां लागू होंदियां तुहानूं नज़र आउणगियां, चाहे वह करप्शन की गल हो, चाहे वह दफ्तरां दे विच जिहड़े रुलदे ने लोक उन्हां दी गल हो। सो बहुत सारे फैसले इस तरह के ने जिहड़े पहले महीने च लए जाणगे जिद ना लोगों को यह पता लग जूगा कि हाँ कुछ ना कुछ बदलाव होया, क्योंकि असी बदलाव के नाते वोट मंगी है कि बदलो। सो जे पहला वागू ही चलता रहा फिर तो कोई फायदा नहीं। सो लोक पक्षी नीतियां जिहड़ियां लागू होनियां पहले महीने तो ही चालू हो जाएगी। मान साहब पंजाब दे विच जिथे भी इलैक्शन होंदी है जिथे काउंटिंग सेंटर बनाए गए ने जाने के इत्थे आम आदमी पार्टी पहरा दे रही है पहले दिनों तो भावे 2014 की गल की जाए तो क्यों? क्योंकि वोटिंग सारी आम आदमी पार्टी देना उन्होंने क्यों पहरा कहते देने जे आने मशीनों से तो कुछ है नहीं उन्होंने, ठीक है ना। सो आम आदमी पार्टी के जिहड़े वर्कर ने वलंटियर ने जनूनी ने वो वधिया गल है। मैं तो कहना लोकतंत्र के वोट पा के अपनी वोट की राखी कर रहे हैं। देखो फसल है 5 साल की फसल है, आप फसल मंडी लेके जाने तो मंडी राखी करते हैं ना आपकी। सो ये मेहनत की फसल है उन्होंने की किस्मत की फसल है ये। तो वलंटियर हम जिन्हें भी पंजाब के आम आदमी पार्टी के वलंटियर जिहड़े ने उन्होंने मैं इस गलों भी धन्यवाद करदा कि उन्होंने बहुत मेहनत की और अपने पल्यों मोटरसाइकलों कारा ट्रैक्टर तेल पवाया तो वह बाद वोटा पा के वो अपनी वोट की रखवाली भी कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के मेरे ख्याल से एक बहुत वधिया गल है तो इतिहास लिखी जाओ। देखो जदों डैम सेफ्टी बिल आया सी असीं उत्थे विरोध किया सी, ठीक है ना। ये हौली हौली राज्यां तों सारे अधिकार खो रहे हैं, हैल्थ एजुकेशन है हुण पानी ते डाका मारन लगे ने, ठीक है ना। तो इदू पहला वो जिहड़ा BSF वाला जिहड़ा 50 किलोमीटर रेंज, सो कितें ना कितें फैडरल स्ट्रक्चर नूं काफ़ी इहदे नाल ढाल लगेगी। सरकार बनने तो बाद अधिकारिक तौर पर असी सेंटर नाल गल करांगे। मैनू एक गल की हैरानी है कि जिहड़ियां पार्टियां साडी 8 साल पुरानी पार्टी नूं SYL पुछदियां सी वह आप क्यों नहीं बोलियां हुण? एक जिहड़ी है वो 1885 की बनी हुई है, एक 140 साल पुरानी पार्टी है, वो क्यों नहीं बोले कांग्रेस से? वो इस मुद्दे पर चुप्पी धार गए तो सानू 8 साल पुरानी पार्टी पूछी जाते जिवें असी बनाया हो, जिन्होंने चांदी के कई ना टक लवाए थे, जिन्होंने SYL दियाँ जिहड़ियां उहदे सर्वे करने इजाजतां दित्तियां सी, बदले च बहुत कुछ लिया सी, वह क्यों नहीं बोलते? वो पार्टियां हुण आरोप भी ला रही ने कि हर मुद्दे पर बोलने आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी चुप ने। तो मैं बोलिया केजरीवाल तो दिल्ली बैठे ने, नाले कहते हैं दिल्ली वाले बोलते क्यों ने, नाले कहते हैं दिल्ली वाले बोलते क्यों नहीं। सो इस करके ये बुखलाए हुए ने। मैं इस गलते बोलिया पहली गल तो यह कांग्रेस में पूछना चाहूँगा उन्होंने BBMP के जिहड़ियां पंजाब दियां पोस्टां सी वह भरियां क्यों नहीं, इन्ना चिर खाली पईयां रहियां क्यों नहीं उत्थे अवसर दिते? कारण क्योंकि इहनूं काला पाणी कहिंदे ने, हालांकि जिथे ड्यूटी लगदी उह नीला पाणी है उत्थे, पर अफसरां लई इह काला पाणी है क्योंकि उत्थे कोई करप्शन नहीं हुंदी, जाके राजी नहीं उत्थे कोई,
सो इस करके असी सारिया पोस्टा भी भरांगे, पंजाब के अफसर देवांगे, जिस लैवल दीआं पोस्टां जिहड़ियां पंजाब वास्ते उत्थे अवेलेबल ने ओह भरांगे। अच्छा, आम आदमी पार्टी किवें सोचदी है, क्योंकि हर पार्टी सोच रही है कि चर्चावां चल रही कि अकाली दल भाजपा नाल गठजोड़ कर सकदा, पर बीबी रजिंदर कौर भट्टल का वड्डा बयान है कि आम आदमी पार्टी नाल गठजोड़ बना के सरकार बना लैणगे जेकर ऊच नीच हुंदी है कितें। कादी ऊच नीच, इह तां बीबी भट्टल जां तुसीं दस सकदे। 80 तो उपर सीटां आ रही ने, वो आपस च वैसे गठजोड़ कर लैन, एक दूजे दे ब्याह शादियां ते दुख सुख जाया कर। कर्नाटक गवर्नमेंट ने जी पग दे बैन लाया, तुसी सेंटर च वी बोलियो। तू मैं तो बोलता रहना जी, मैं तो बोलता रहना, इस तरह के नहीं होना चाहिए। ये अज चल रहे, असीं तां कदों तो कह रहे हैं कि देश दे विच जिहड़ा घट गिणती, देखो गल ये उहदे च ना जिहड़ा बोर्ड है, जिहड़ा रिहाई वाला जिहड़ा कैदियां दी रिहा जिहड़ा बोर्ड है, समीक्षा बोर्ड, उहदे विच दो जज ने, दिल्ली दा पुलिस कमिश्नर है ते एक चीफ सैकटरी है। दिल्ली दा होम मिनिस्टर सतेंद्र जैन उहदे विच उस कमेटी च है। जदों 2 मार्च नूं मीटिंग होई, सतेंद्र जैन ने कहा जी सेंटर सरकार ने आपां नूं कहा, MHA ने कहता, होम मिनिस्ट्री ने, तो आपां नूं कोई प्रॉब्लम नहीं, मानवता दे आधार ते उहनां नूं छड्ड देना चाहिए। पर जिहड़े दोनों जज सी जिहड़े कि सेंटर गवर्नमेंट वल्लों अपॉइंटड ने ते दिल्ली का पुलिस कमिश्नर, वो कहते नहीं ये तो बहुत खतरनाक है, तो ये कसूर की था फिर साढ़े वालों कोई प्रॉब्लम नहीं है, अज बुला लो दोबारा रिव्यू मीटिंग है। दिल्ली सरकार का पक्ष यह है। उ मनजिंदर सिरसा जोड़ा एक दिन पहले कहना सी ऐ हो जो अगले दिन गाला कढ़न लग गया। मनजिंदर सिरसा जी मैं कहना चाहना, कृपा करके अमित शाह जी ने गल करके उन्होंने अफसर मना लो, ताकि मानवता के आधार से जोड़ा वो उन्होंने रिहाई हो सके। देखो मैं कर सकता, मैं हर रोज जिन्हें मेरे को पासपोर्ट आते हैं मैं उत्थे विदेश मंत्रालय च भेज दिना, संपर्क भी होंगे ने उन्होंने, आ भी रहे ने, पर जिस तरीके मतलब कढ़े जा रहे हैं कि तुसी 20,000 बंदा 250 एक दे विच एक प्लेन 250 आंदा, हर रोज 2-3 फ्लाइटा क्यों जाए, ठीक है ना। तो नाले इनू तुम ये क्यों कहने कि असं उन्होंने कड़ लिया, तुम तो यह कह रहे हो कि तुर के उत्थे आ जाओ 1400 किलोमीटर, उतो थोड़ा ले जाएंगे, जो उत्थे तक आ ही गए हो तो फिर कोई भी फ्लाइट लेके आ जाएंगे, तुम लैके आने का प्रबंध करो ना उतो उन्होंने, वो 1200-1200 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, ठीक है ना, कभी टैक्सियों च गड्डिया च नहीं चढ़न दिते जाते। सो जे कढ़ने ने तो जिवें बाहरले मुल्कां वाले होर मुल्कां वाले लैके गए ना, उस तरह इज्जत नाल उन्होंने लैके आओ ना, कि पटाल कलां दा मुंडा जिहड़ा उत्थे फसिया जिहड़ा 800 किलोमीटर पैदल चल रहा कि 1,00,000 रुपया तो बॉर्डर तक जाण दी डेढ़ टैक्सी, फिर उहदी हैल्प की नहीं कीती है, भारत सरकार कि मैं कहिंदी असीं कढ लिया, वो तो आप आ रहा है, जदों पोलैंड च हंगरी च जां रोमानिया च आ गए फिर तो जिहड़ी मर्जी फ्लाइट मिल जूगी। सानू बल्क दे विच एक दिन च घट्टो घट 50-60 फ्लाइटां आउण तां असीं अपने बच्चों नूं कढ सकदे। देखो पता की लड़ाई चलती है, कोई किसी पक्ष का कोई किसी पक्ष का, सो असी तो यही चाहते हैं कि पहली तो शांति होवे, नंबर दो ते जिन्ने भी उत्थे भावें अपने मुल्क दे ने भावें होर मुल्क दे स्टूडेंट ने जां लोग ने वो सेफ रहने। अज मैं देशभगत कॉलेज बरडवाल